मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं एक डिलिशियस और बहुत ही हेल्दी चीला रेसिपी। चीला बच्चों को बहुत पसंद आता है, चाहे वो स्कूल के टिफिन में हो, चाहे एज अ फिंगर फूड छोटे बच्चों को आपको इंट्रोड्यूस करना हो तो आप चीला डेफिनेटली कर सकते हैं। आज की रेसिपी हमें प्रेजेंट करेंगी मास्टर शेफ एलिसन, जो कि एक मदर भी हैं, तो हर उस चीज का ध्यान रखती हैं जो एक मदर रखती है व्हेन इट कम्स टू फूड फॉर किड्स। तो आप उनकी रेसिपी देखिए, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां जाके उसे देखिए एंड फिर घर में ये रेसिपी बनाइए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपके बच्चों को कैसा लगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक्स मानसी। आज हम बनाएंगे एक और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, ये है सूजी पोहा के चीले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बोल में एक कप पोहा डाल दीजिए। पोहा को मैंने पहले ही थोड़ी देर के लिए भिगो के इसको अच्छे से धोया है, आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम इसमें डालेंगे एक कप सूजी और एक कप दही। अब हम इसमें डालेंगे आधी कप पानी और हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद अब इसको चेक कर लीजिए, तो आप देख सकते हो कि सूजी ने पानी और दही को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एक बार और उसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, साथ में थोड़ा सा ग्रेटेड गाजर और थोड़ा सा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, बिल्कुल आधे कप के बराबर, और हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। हमें बैटर को मीडियम कंसिस्टेंसी ही रखना है, इसलिए आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा ताकि बैटर जो है ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे हमारे चीले। अब आप एक तवा गरम कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा बैटर लेके, जैसे हम पैनकेक्स बनाते हैं उसकी तरह, हम थोड़ा सा डाल के इसको स्प्रेड कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा बना रही हूँ क्योंकि ये टिफ़िन बॉक्स में जाएगा। चीले जो है यूजुअली हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा और पतला बनाते हैं, बट ये मैं थोड़ा डिफरेंटली बना रही हूँ। अब हमें इसको मीडियम आँच पे ही रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। फिर 2-3 मिनट बाद आप ऊपर से थोड़ा सा और घी डाल दीजिए और फिर हम आसानी से इसको पलट पाएंगे। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से पक गया है, अब हम दूसरी तरफ भी 3-4 मिनट के लिए उसे पका लेंगे। तो ये रहे आपके सूजी पोहा के चीले तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डालेंगे एक लंच बॉक्स में। आप चाहो तो इसको ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हो या इवनिंग स्नैक में भी। ये बहुत टेस्टी है, साथ में बहुत ही हेल्दी है और लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये सॉफ्ट भी रहता है। साथ में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मखाने डाल रही हूँ तो ये कम्प्लीट मील बन जाती है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। सो गाइज, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सूजी और पोहा दोनों ही बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग फूड टू किड्स। आप जितना आटा अवॉइड कर सकें, जितना मैदा अवॉइड कर सकें उतना ही अच्छा रहता है। इससे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन का चीला हमें लगा आपको काफी पसंद आएगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बच्चों को इसका टेस्ट कैसा लगा। इसे चाहे ब्रेकफास्ट में दीजिए, चाहे आप इवनिंग स्नैक में दीजिए, दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और यमी रेसिपी के साथ, और हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफी रेसिपीज हैं, काफी सारा कंटेंट है व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सर्च जरूर करें जब भी आपके मन में कोई क्वेरी हो। थैंक यू, बाय बाय।